قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان وقال الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين وقال الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرع بالكفر صدر عليه غضب من الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا او كما قال عليه صلوات التسليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محترم بزرگ دوستو दुनिया में तकरीबन हर इंसान चाहे वो कम अकल हो या बहुत ज्यादा अकलमंद हो पढ़ा लिखा हो या कम पढ़ा लिखा या बिल्कुल ही अनपढ़ हो लेकिन तकरीबन हर इंसान यह हकीकत अच्छी तरह से जानता है कि अगर कोई नेमत उसे मिल जाए तो उस नेमत की हिफाजत भी करता है और उस नेमत को जाया करने वाली चीजों से खौफजदा भी रहता है और उस नेमत को बचाने की फिक्र भी करता है और साथ में इस बात का भी एहसास रखता है कि जिन चीजों से उस नेमत को नुकसान होने वाला हो उन चीजों से डर करके रहता है और हिफाजत की जो भी तदबीर उसे इख्तियार करनी पड़े वो करता है। माल बहुत बड़ी नेमत है जिसके जरिए से जिंदगी की सारी सरगर्मियां हैं। हर आदमी माल कमाता है और जो कमाता है उसको बचाने की भी फिक्र करता है और डर रहता है कि अगर कहीं जाया ना हो जाए तो उसके लिए हिफाजत की जो भी तब्दीली करता है फसल बैंक में रखेगा तिजोरी में हिफाजत में रखेगा गरज की जो भी हिफाजत वो कर सकता है वो करेगा क्योंकि वो जानता है कि इसके पीछे मेरी मेहनत है और ये कीमती चीज है। इंसान के जिस्म में आंख बहुत नाजुक चीज है। हर इंसान अपनी आंख की हिफाजत किस किस तरह से करता है चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो करता है। दुनिया की हर नेमत छोटी या बड़ी जिस इंसान को हासिल हो जाती है वो आदमी उस नेमत के बचाव की फिक्र करता है और उस नेमत को जिन जिन चीजों से खतरा है नुकसान पहुंचने का उन तमाम चीजों से बचाने की फिक्र करता है। और अगर कोई ऐसा मरहला आ जाए जिससे उसकी नेमत को नुकसान होने का खतरा हो तो उसको कोशिश ये करता है कि कम से कम अपनी नेमत को बचाऊं। ये कॉमन सेंस है, अकल भी यही कहती है, अखलाक भी यही कहते हैं, तजर्बा भी यही बताते हैं और यह समझाने की चीज भी क्योंकि यह ऐसी हकीकत है जो हर इंसान जानता है कि मिली हुई नेमत की कदर करो, मिली हुई नेमत की हिफाजत करो, मिली हुई नेमत को खतरा से बचाओ और अगर खुदा न खास्ता किसी जगह इस नेमत को खतरा हो तो उस वक्त चौकन्ना रहकर के उस नेमत को बचाने की जो भी तदबीर तुमसे हो सकती है वो तदबीर इख्तियार करो। ये तमहीदी गुफ्तगू थी, हजरात गौर करें। अल्लाह ने इस दुनिया में बेशुमार नेमतें इंसानों को अता की हैं। सबसे बड़ी नेमत जो इस दुनिया में इंसान को मिल सकती है वो नेमत ईमान है। अगर ईमान किसी को हासिल है तो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत उसे मिल गई और अगर ईमान हासिल नहीं है तो बाकी तमाम नेमतें अगर हैं दौलत ओहदे ऐश की तमाम चीजें दुनिया भर के टूर औलादें खानदान स्टेटस इज्जत वगैरह वो सारी चीजें अगर हैं तो ईमान से महरूम इंसान वक्ती तौर पर यहां दुनिया में तो खुशी के साथ जिंदगी गुजारेगा लेकिन अंजाम उसका तबाही होगा, अंजाम उसका फिरौन, अंजाम उसका नमरूद, अंजाम उसका अबू जहल जैसा होगा। नेमत ईमान से महरूम इंसान बिलाशुबा इस दुनिया में जिंदगी खुशी के साथ गुजारता है लेकिन वो नाकाम है। क्यों नाकाम है? इसलिए कि उसकी जिंदगी का खुलासा यह है जिस जमीन पर वो जिंदगी गुजार रहा है उस जमीन के बनाने वाले का वो इनकार करता है, जिस जमीन से उगने वाली तमाम चीजों को वो खा रहा है और खाकर जिंदगी गुजार रहा है उस पैदा करने वाले का वो इनकार करके जिंदगी गुजार रहा है, जिस हवा के सहारे जिस पानी के सहारे जिन गजाओं के सहारे जिस हीटिंग से फायदा उठाकर जिस सेहत से और जिस दौलत से वो फायदा उठाकर जिंदगी गुजार रहा है इन तमाम चीजों के पैदा करने वाले के इनकार करके वो जिंदगी गुजार रहा है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि हम कोई इंसान किसी हवेली में चला गया और उस हवेली में उसके लिए तमाम चीजें मुहैया हैं
खाने पीने की सारी चीजें हैं, आराम की सारी चीजें हैं, बैटरी भी बहुत अच्छी है, लाइटिंग भी बहुत अच्छी है, पेंडिंग भी है, यानी उस हवेली में जिंदगी गुजारने की वो तमाम चीजें जो वो सोच भी नहीं सकता था वो सारी उसको मुहैया हैं और उन तमाम चीजों से फायदा उठा रहा है। और आखिर में कहता है जिसने ये सब कुछ किया है मैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं, न उस हवेली के मालिक को मैं मानने को तैयार हूं और जिसने ये सारी फैसिलिटीज यहां रखी है मैं उसको मानने को तैयार नहीं, मगर फायदा सबसे उठाऊ। तो जो इंसान इमाम से महरूम है गोया वो यूं कहता है कि जिसने ये जमीन बिछाई, जिसने जमीन से सारी चीजें उगाई, जो हमारे लिए हवा और ऑक्सीजन मुहैया कर रहा है, जो पानी बरसा रहा है, जो गजाएं दे रहा है, जिसने ये बॉडी दी है, जिसने बॉडी की तमाम चीजें दी हैं, उन तमाम चीजों का मैं इस्तेमाल तो करूंगा मगर मैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं। ऐसी इंसान के बारे में अल्लाह फरमाते हैं कि तो जानवरों से भी बदतर है, इन हुम इल्ला कल अनआम, कि जो इस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हो मुझे मानने को तैयार नहीं है, वो तो जानवरों से बदतर हैं। क्यों? जानवर भी अपने मालिक को पहचान लेता है, मान लेता है। और एक जगह अल्लाह ताला शानो फरमाते हैं कि जो ईमान वाले नहीं हैं और ईमान कबूल करने को तैयार नहीं है, यानी मुझे मानने को तैयार नहीं और मेरे नबी को मानने को तैयार नहीं और सारी चीजें मेरी दी हुई इस्तेमाल कर रहे हैं, बदतरीन मखलूक है। इन्नल लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन फी नार जहन्नम खालिदीन फीहा उलाइका शर्रुल बरिया। हकीकत भी नहीं, हम अपने घर में किसी इंसान को लाएं और उसकी तमाम जरूरियात पूरी करें बल्कि उसके शोर से भी ज्यादा उसको खुशियां मुहैया करें, उसके खाने का, उसके कपड़ों का, उसके इलाज मुआवजे का और जो जो उसे चाहिए था वो सबसे ज्यादा सारी चीजें मुहैया करें और वो सारी चीजों से फायदा उठाकर आखिर में हमको गोटा दिखा दे और कहे कि मैं आपको नहीं मानता ना आपके घर को मैं मानता हूं। और आप ये समझ सकता है कि इस आदमी की हालत क्या है। सैन इसी तरह से जो दुनिया में इंसान ईमान से महरूम है वह दूसरे लफ्जों में यह कहता है कि इस दुनिया के बनाने वाले को मैं मानने को तैयार नहीं मगर फायदा उठाऊंगा दुनिया से, सूरज की गर्मी और सूरज की शुआओं से और उस सूरज की हीटिंग से मैं फायदा उठाऊं, मैं सूरज बनाने वाले को मैं मानने को तैयार नहीं हूं, जमीन से उगने वाली तमाम अनाजों से, फलों से, सब्जियों से और तमाम चीजों से मैं फायदा तो उठाऊंगा मगर पैदा करने वाले को मैं मानने को तैयार नहीं, अपने जिस्म से मैं फायदा उठाऊंगा मगर इस जिस्म को पैदा करने वाले को मैं मानने को तैयार नहीं। मतलब यह ईमान से महरूम इंसान गोया बदतरीन इंसान है और अल्लाह ताला फरमाते हैं जिसने ये कायनात बनाई, जिसने इंसानों को पैदा किया और इसके मुकाबले में अल्लाह ने हमको ईमान अता फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस ईमान की सबसे बड़ी नेमत है, इसमें कोई शक नहीं, इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है ईमान। और अगर किसी इंसान की बात समय में ना आ रही हो तो उसको चाहिए कि गौर करे और उसको चाहिए कि किसी आदमी जो जानने वाला हो उसके साथ मिल करके पहले समझे ईमान की कदर कीमत क्या है और ईमान की नेमत किस दर्जे की नेमत है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो मुसनद अहमद इब्न हंबल में भी है और मिश्कात शरीफ में भी है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तूबा लिमन रानी व आमन बी, खुशखबरी और मुबारक उस इंसान को जिसने मुझे देखा और ईमान लाया, खुशखबरी और मुबारक उस इंसान को जिसने मुझे देखा और ईमान लाया। मगर जाहिर है हम इस कैटेगरी में नहीं आ सकते। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया वो तूबा सबअ मर्रात लिमन लम यरानी व आमन बी, सात मरतबा खुशखबरी उस इंसान को जिसने मुझे देखा तो नहीं होगा और फिर भी कहता होगा मेरा नबी मोहम्मद रसूल, तो हम ऐलान करके कहते हैं कि हमारा नबी मोहम्मद, हालांकि हमने उनको देखा नहीं है। तो नेमत ईमान हमें हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद अब चंद चीजें समझने की हैं और बहुत जिम्मेदारी के बसा को समझने की। क्या नेमत ईमान मिलने की मुख्तलिफ शक्लें? शक्ल नंबर एक, बगैर कुर्बानी के आसानी के साथ ईमान की नेमत मिल गई और बड़ी कुर्बानियां लगी बाद में ईमान की नेमत मिल गई। जिन भाइयों को अल्लाह ताला शानहू ईमान की दौलत अता करते हैं और कुफ्र से निकलकर ईमान की तरफ आते हैं उनमें से बेशुमार इंसानों को बड़ी कुर्बानियां लगती हैं बाद में वो ईमान की दौलत मिलती है। और वो तब समझ में आएगा कि जब हम ऐसे लोगों से मिलें, उनके वाकयात सुने, उनके हालात मालूम करें, तब पता चलेगा कि उनको क्या क्या झेलना पड़ा, क्या क्या सहना पड़ा, क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ा, किन किन चीजों से हाथ धोने पड़े और नेमत ईमान तक पहुंचने के लिए उनको क्या क्या करना पड़ा, तब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके बगैर ये बात समझ में आने वाली नहीं है कि नेमत ईमान को पाने के लिए उनकी कुर्बानियां किस दर्जे की हैं। और जितने मेरे बड़े बड़े भाई पढ़े लिखे भाई हैं और पढ़ना चाहेंगे वो जरूर इस तरह का लिटरेचर पढ़ें कि वो तमाम लोग जो कुफ्र से निकलकर ईमान की तरफ आते हैं उनको कैसी कुर्बानियां देनी पड़ती है, किन किन हालात से उनको गुजरना पड़ता है, क्या क्या सहना पड़ता है,
तो समझ में आ जाएगा कि ईमान के लिए कुर्बानी देने के माना क्या होते हैं। और ईमान मिलने की दूसरी शक्ल यह है कि कोई कुर्बानी नहीं लगी, मुफ्त में बगैर किसी दरख्वास्त, बगैर किसी मुतालबे, बगैर किसी डिमांड, बगैर किसी रिक्वेस्ट के ईमान की दौलत मिल गई। और हम सब उसी में शामिल हैं कि अल्लाह ने हमको बगैर किसी कुर्बानी की ईमान की नियामत और ईमान की दौलत अता फरमाई। और तरीका यह है कि ईमान वाले के घर में हमको पैदा किया, घर के अंदर ईमान की नियामत मिल गई। बिलफर्ज अगर हम में से कोई शख्स किसी ऐसे घर में पैदा हुआ होता जहां दौलत ईमान नहीं है, तो हो सकता है जिंदगी की तमाम खुशियां हमें मुहैया होती पर ईमान से महरूम होते, वैसे ही जैसे दुनिया के अरबों इंसान, 5.5 अरब इंसान दुनिया में ईमान से महरूम, तो हम भी उसमें हो सकते हैं। और हो सकता है हम बड़ी खुशियों की जिंदगी गुजारते, ओहदे होते, दौलत होती, ऐसी सारी चीजें होती, औलादें होती, सारी चीजें होती, पर ईमान से महरूम जिंदगी गुजारते। और यह भी मुमकिन है हमको पता भी न चलता कि ईमान से महरूम है। और यह भी हो सकता है कि मालूम होता ईमान से महरूम है, जैसे लाखों इंसान इस दुनिया में ऐसे हैं जो जानते हैं, जो समझते हैं कि अल्लाह हक है, मोहम्मद उसा नबी बरहक हैं, इस्लाम सच्चा दीन है, मगर उस तक पहुंचने के लिए जैसी कुर्बानियां देनी है वो कुर्बानियां देने को तैयार नहीं। सामने पहाड़ नजर आते हैं कि हम अपनी जिंदगी के तमाम चीजों से महरूम हो जाएंगे अगर हमने ईमान की तरफ कदम बढ़ाया, इसलिए वो जानने के बावजूद ईमान की तरफ कदम नहीं बढ़ा पाते। बल्कि ऐसे भी लोग दुनिया में हैं जो इस्लाम पर डिस्कशन हमसे ज्यादा बेहतर करते हैं पर इस्लाम से महरूम। ऐसे स्कॉलर दुनिया में हैं जो आज के हमारे आलिमों से ज्यादा तफसील के साथ कुरान को, हदीस को, सीरत को, फिका को, उसूल फिका को, इस्लामी उलूम को जानते और पढ़ते हैं। यूरोप की यूनिवर्सिटी में हजारों ऐसे हैं मगर इसके बावजूद ईमान की नेमत से महरूम है। हमने भी किताब पढ़ी, हमारे पास जो किताब है हदीस की, ऐसी अजीम शान किताब, हदीस की किताब, तो दुनिया के तमाम मुहद्दिसीन उस हदीस की किताब से फायदा उठा रहे हैं और लिखने वाला ईमान से महरूम है, हम भी उसे फायदा उठाते हैं। इस कदर अहम तरीन काम उस शख्स ने किया कि आज पिछले तकरीबन 50 साल से दुनिया के तमाम हदीस के माहिरीन किताब से फायदा उठा रहे हैं, हालांकि लिखने वाला ईमान से महरूम। किताब हमारे पास भी है, अल-मुअज्जब अल-मुफारिस लिअल्फाज़िल हदीस। तो गरज मैं अर्ज ये करना चाह रहा था, अल्लाह ने हमको ईमान की दौलत अता फरमाई है, इसमें हमारी कोई कुर्बानी नहीं लगी, कोई मेहनत नहीं लगी। जिस दिन हम इस दुनिया में आए अल्लाह को कुदरत थी, उस दिन वो पैदा होने वाला जो किसी और घर में पैदा हुआ वो हमारे घर में पैदा होता और हम में से कोई शख्स उस घर में पैदा होता तो हम कुफ्र के आलम में होते, और उस घर में पैदा होने वाला बच्चा जो हमारे मां बाप के घर में पैदा होता वो ईमान वाला होता। इसलिए हर वक्त ये एहसास पैदा हो जाना चाहिए कि या अल्लाह आपने बड़ा एहसान फरमाया मुझ पर, आपने मुझे मुश्किल इम्तिहान में नहीं डाला, और मुश्किल इम्तिहान ये कि मैं तुमको ऐसे घर में पैदा करूंगा जहां ईमान नहीं होगा और सामने ईमान और इस्लाम सामने आएगा, फिर तुम्हें डिसीजन लेना है कि तुम उसी कुफर पर रहोगे या कुफर छोड़कर ईमान की तरफ आओगे, और ईमान की तरफ आने में बड़ी कुर्बानियां तुम्हें देनी पड़ेगी, तुम दोगे वो कुर्बानियां तो या अल्लाह शायद हम उस इम्तिहान में फेल हो जाए। जैसे दुनिया के बेशुमार इंसान फेल हैं, उसे पढ़े लिखे भी, समझदार भी हैं, वो लोग भी हैं कि जो इस्लाम पर डिस्कशन करते हैं, इस्लाम को आप मानते हैं तो महरूम है और वो कदम नहीं उठा पाते। जनाबे वाला जब वो इस्लाम पर गुफ्तगू करते हैं और गुफ्तगू करते करते समझते हैं इस्लाम से ज्यादा ये तसव्वुफ पर गुफ्तगू करने वाला बार दफा ऐसा लगता है कि बड़े बड़े सूफिया से ज्यादा मालूम इसके पास है, मगर महरूम। कुरान पर गुफ्तगू करने वाला इस तरह से गुफ्तगू करता है कि आप समझते हैं कि बेशुमार मुसलमान कुरान के बारे में इतनी मालूमात नहीं रखते जितना ये जानता है, पर कुरान को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत पर जामे अजहर में एक गैर मुस्लिम ने लेक्चर दिया 2.5 घंटे का और सारे अशश करते रहे और कहा ऐसा लेक्चर तो हमारे जामे अजहर का कोई प्रोफेसर भी नहीं दे सकता है, लेकिन वो शख्स खुद ईमान से महरूम रहा। अल्लाह ने हमको ईमान की दौलत अता फरमाई है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ईमान के बारे में पहली हकीकत ये जहन में रखनी चाहिए। और मेरे भाइयों बड़ी दर्दमंदी के साथ ये दरख्वास्त है, कभी तन्हाई में बैठकर गहरे सोच के साथ सोचें कि अगर अल्लाह ने मुझे पैदा किया होता उस घर में जहां ईमान नहीं है तो मैं आज कहां होता। अगर इस वक्त मेरी कोई इज्जत है इस्लाम के नाम पर, मुसलमान होने के नाम पर, मैं अगर किसी का बेटा हूं मुसलमान होने की हैसियत से, मैं अगर किसी का बाप हूं मुसलमान होने की हैसियत से, मैं अगर किसी का दामाद हूं मुसलमान होने की हैसियत से, मैं अगर किसी का शौहर हूं मुसलमान होने की हैसियत से, मैं अगर कोई ओहदा लिया हुए हूं मुसलमान होने की हैसियत से, ये सारी चीजें तो नहीं होती। किसी और हैसियत से ये सारी चीजें होती मगर मुसलमान होने की हैसियत से नहीं होती। तो पहली बात यह है। दूसरी बात यह है,
ईमान की किस्में हैं। एक ईमान हुआ है जो ईमान है मगर इतना डिम, इतना कमजोर, इतना बेहैसियत कि गोया है ही। कैसे पता चलेगा ईमान इतना कमजोर है? जवाब, जो ईमान इंसान को अल्लाह के डर में न डुबो सके, जो ईमान इंसान को अल्लाह की नियमतों का एहसास न करा सके, जो ईमान इंसान की आंख को कंट्रोल न कर सके, जो ईमान इंसान के हाथ को गलत करने से कंट्रोल न कर सके, जो ईमान इंसान को दुकान पर बैठकर गलत तोलने से न रोके, जो ईमान इंसान को दफ्तर में गलत साइन करने से न रोके, जो ईमान इंसान को रिश्वत खाने से न रोके, जो ईमान इंसान को किसी ऐसे के पीछा करने से न रोके जिसका पीछा उसे नहीं करना चाहिए, जो ईमान इंसान को वो चीज खाने पीने से न रोके जो नहीं खानी चाहिए, नहीं पीनी चाहिए, जो ईमान इंसान को दूसरे इंसानों के साथ उस बिहेवियर से न रोके जिस बिहेवियर के करने से अल्लाह ने अल्लाह के नबी ने मना फरमाया, वो ईमान कमजोर है। ये ईमान कयामत के दिन अल्लाह के गजब से भी नहीं बचा सके। जो ईमान इंसान को नमाज के लिए खड़ा न करे वो ईमान कयामत के दिन जहन्नम में गिरने से नहीं बचा पाएगा। वो वोल्टेज जो इतना कमजोर है कि लप नहीं जल पा रहा है, उस वोल्टेज पर अगर हम मशीन चलाना चाहेंगे तो मशीन नहीं चल सकती, वोल्टेज कमजोर। तो जो ईमान कमजोर भी होता है और ताकतवर भी होता है, ताकतवर ईमान जब होता है तो इसकी मोमिनाना जिंदगी होगी, मोमिनाना जिंदगी होगी, इसकी इबादतें भी सही होगी, उसका अखलाक सही होगा, वो जहां होगा वो रहमत बनेगा। ये ऑफिस में होगा तो जालिम नहीं बनेगा, ये ऑफिस में होगा तो काम चोर नहीं होगा, ये ऑफिस में होगा तो गलत पैसा नहीं कमाएगा, ये दुकान पर होगा तो फ्रॉड नहीं करेगा, ये बिजनेस में मिलावट नहीं करेगा, ये गलत रेट नहीं लगाएगा, ये यहां होगा मोमिनाना जिंदगी होगी, ये हर वक्त समझता है मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है और मैं अल्लाह से छुप नहीं सकता हूं। तो अल्लाह के कैमरे में रहकर के जिंदगी गुजारने वाला ये मोमिन जिंदगी, उस मोमिनाना जिंदगी में करने वाले सारे काम के अंजाम देगा और कोताहियां होंगी तो माफी मांगता रहेगा और बचने वाले तमाम कामों से बचते बचेगा और बचते बचते गलती हो जाएगी तो अल्लाह से माफी मांगेगा। ईमान ताकतवर भी होता है, ईमान कमजोर भी होता है। ताकतवर ईमान की निशानियां कुछ और हैं, कमजोर ईमान की निशानियां कुछ और हैं। ताकतवर ईमान की एक आसान वाली मिसाल मैं समझाता हूं, वरना हजारों मिसालें हैं। हजरत उमर खत्ताब, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अमीरुल मोमिनीन हैं और वो चूंकि बड़े बेदार मगज़ इंसान थे तो वो लोगों को चेक भी करते रहते थे। तो एक दफा एक देहात से गुजर रहे थे या जंगली जंगल से गुजर रहे थे, उनके साथ कुछ और लोग थे, उनको आगे भेज दिया तो फिर उन्हें देखा कि जंगल के अंदर एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है। हजरत फारूक आजम ने उससे जाकर के कहा, देखो भाई मैं मुसाफिर हूं और मुझे भूख लगी है, किसी बकरी का दूध निकालकर मुझे पिला दो। तो चरवाहे ने कहा, जनाब बकरियां मेरी नहीं है, मालिक कोई और है, मैं उसकी बकरी का दूध निकालकर आपको नहीं पिला सकता। उसको नहीं मालूम था ये फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन है। हजरत उमर खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ठीक है फिर एक काम करो, तुमको भी फायदा होगा मुझे भी फायदा होगा, मैं तुम्हें पैसा देता हूं, ये बकरी मुझे बेच दो, पैसा तुम्हें मिल जाएगा, बकरी मुझे मिल जाएगी, मैं बकरी का दूध निकाल करके पी लूंगा तो मेरा काम भी बन जाएगा और तुमको मुफ्त में पैसा मिल जाएगा। उसके बाद जब मालिक तुमसे पूछेगा बल बकरी कहां चली गई, तुम कहना भेड़िया खा गया, और ऐसा तो होता रहता है, भेड़िया तो खाता ही रहता है। उसने कहा, भाई साहब अपने मालिक को तो मैं कह सकूंगा कि भेड़िया बकरी खा गया, मैं ऊपर देखने वाले को क्या कहूंगा, वो तो देख रहा है। फारूक आजम ने कहा, यही मान जनाबे वाला, हम मस्जिद में बैठे रहते हैं, जुमा पर खत्म होता है, अभी पिछले जुमे मेरी जगह मस्जिद में जुमा पढ़ा रहा था तो खुतबे के दौरान किसी शख्स ने वहां से घड़ी भेजी, कहा जनाब बाथरूम में किसी की घड़ी गिरी थी, 10-15 हजार रुपए की घड़ी है और यहां लटका दी गई, ये ईमान। तो ईमान जब पुख्ता होता है तो उसके नतीजे में इंसान की जिंदगी मोमिनाना जिंदगी होती है, और ईमान जब कच्चा होता है तो उसके नतीजे में और जिंदगी होती है। तो हर शख्स को फिक्र करनी चाहिए अपने ईमान को मजबूत करने की। और ईमान के सिलसिले में तीसरी अहम तरीन बात जो समझने की है वो ये है, ईमान बहुत नाजुक है और इस ईमान के मामले में दो तरह की गलतफहमियां पाई जाती हैं। बार दफा इंसान समझता है मैं अगर ये करूंगा तो उससे कुछ नहीं होगा, मैं अगर ये बोलूंगा तो उससे कुछ नहीं होगा, मैं अगर ये करूंगा तो उससे कुछ नहीं होगा, और ऐसा भी हो सकता है वो करने से और वो बोलने से ईमान छिन चुका होता। इसलिए हर ईमान वाले को समझना चाहिए मैं किस फंक्शन में, मैं किस इदारे में, मैं किस उसूल में, मैं किस जगह क्या क्या कर रहा हूं, क्या क्या बोल रहा हूं, क्या क्या कर रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन चीजों से मेरा ईमान छिन चुका हो। और अल्लाह ताला शाहूनी की वार्निंग दी कि ऐसा होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रजुल मोमिन से काफिर, सुबह को आदमी मोमिन होगा शाम को काफिर होगा।
इसलिए हर आदमी को गौर करना है कि जो मैं कर रहा हूं या करने जा रहा हूं या मुझसे करवाया जाएगा तो वो करने से मेरे ईमान को कहीं नुकसान तो नहीं होगा। इस सिलसिले में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में लोग समझते हैं शायद इससे ईमान खत्म होगा, हालांकि उससे ईमान खत्म नहीं होता। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में लोग समझते हैं इससे कुछ नहीं होगा, हालांकि उससे ईमान खत्म हो जाता है। तो हर ईमान वाले को इस बात को समझना होगा किन किन चीजों से ईमान को नुकसान होता है और किन किन चीजों से ईमान को नुकसान नहीं होता। और जिन चीजों से ईमान को नुकसान होता है उन चीजों के करने, उन चीजों के बोलने में ईमान वाले को खुद ही फैसला करना है, मैं करूंगा तो ईमान छिनेगा और नहीं करूंगा तो कुर्बानी मुझे क्या देनी है। जिस दौर में, जिस माहौल में, जिन हालात में, जिस दाएं बाएं की सूरत हाल में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हर ईमान वाले के सिलसिले में चौकन्ना और होशियार रहना होगा। दौर वो है कि जिस दौर में तेजी के साथ ईमान मिल भी रहा है और तेजियों के साथ ईमान छिन भी रहा है। ईमान मिल रहा है के माना यह है जिस तेजी के साथ दुनिया में ईमान की तरफ लोग आते हैं, हालांकि मुसलमानों की तरफ से कहीं कोई मेहनत नहीं, न मुसलमानों का कोई फोरम कोई काम करता है न कोई फर्द काम करता है, लेकिन इस्लाम खुद इंसानों को अपनी तरफ खींचता है। और इस्लाम कबूल करने वालों के वाकयात और इस्लाम कबूल करने वालों के हालात जब हम सुनते हैं और पढ़ते हैं, और जब कभी इस तरह का मौका आता है किसी ऐसे इंसान से बात होती है तो आदमी हैरान होता है क्या जिन चीजों का हम बहुत मामूली समझते हैं, जिन चीजों के मुसलमानों की हम कोई कदर नहीं है, वो चीजें कैसे इंसानों के ईमान की तरफ खींच रही हैं और कैसे वो एक एक चीज को फॉलो करते हैं। सारी दुनिया का नक्शा यही कुरान करीम में भी अल्लाह ताला शाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालो मैं यर्तद्द मिनकुम अन दीनी फसौफ यअती कौमी युहिब्बुहुम वयुहिब्बूनहु, ऐ ईमान वालो अगर तुम ईमान पर जमना नहीं चाहते मैं ऐसी कौम लाऊंगा जो तुमसे ज्यादा अच्छे होंगे, तुम हट जाओ, तुम्हें किसी और रास्ते पर जाना है जा सकते हो, और मैं नए इस्लाम में दाखिल करूंगा, उनको मुझसे मोहब्बत होगी, मेरे दीन से मोहब्बत होगी, मेरे दीन पर चलते हुए उनको कोई शर्म नहीं आएगी, उनको कोई ताना देगा तो उनको परवाह नहीं होगी, ला खौफुन लौमत अल्लाह, उस कौन क्या बोलेगा उनको उसके परवाह नहीं होगी, वो तो खुश हो। चुनांचे मेरे भाइयों दुनिया भर में जो जो भी इस्लाम कबूल करते हैं उनकी कैफियत आप देखें कैसे एक एक चीज को वो खुश होकर के अमल करते हैं। हजारों वाकया दुनिया में रोजाना होते हैं। अभी पिछले हफ्ते इसी कश्मीर का लड़का मुझे मिला जो इस वक्त कश्मीर में नहीं है, वो जॉब कर रहे हैं हॉलैंड के अंदर, और जब भी कश्मीर आते हैं मुझसे जरूर मिलते हैं, मेरे जानने वालों में है, उनके यहां खाना भी हमने कई दफा खाया, मुझसे भी मिलने के लिए आए। अभी पिछले हफ्ते जब आए वो उसी शख्स ने मुझे वाकया सुनाया, कहने लगा जी हम एम्स्टर्डम की जामा मस्जिद में जुमा पढ़ने के लिए गए, वहां इमाम साहब ने खुतबा देने के बाद नमाज से पहले ऐलान किया कि एक साहब पिछले एक हफ्ते से मुसलसल मुझसे फोन पर रब्ता किए हुए हैं और वो कलमा पढ़ना चाहते हैं। उसके बाद एक बूढ़े इंसान को जो तकरीबन 90 बरस के करीब था उसको व्हील चेयर पर लाया गया और मेहराब के करीब पहुंचाया गया, डच खानदान का इंसान है, और उसने 90 की उम्र के आसपास में उसने कलमा पढ़ा, उसको पहले कलमा भी अदा नहीं हो रहा था, मुसलमान बना, और मुसलमान बनने के बाद उसने कहा इतना कहा मुझे सारी जिंदगी में इतनी खुशी कभी नहीं हुई है जितनी आज हुई। उसके बाद लोगों के साथ जुमा पड़ा, जाहिर जुमा तो उसको नहीं आता था, वो खड़ा हो गया, वो व्हील चेयर पर रखा गया उसे, और व्हील चेयर के बाद लोगों ने उसको मुबारकबाद दी, मुबारकबाद देने के बाद जब उसको वापस चले जा रहे थे व्हील चेयर के बाद अपने घर पहुंचा तो जान निकल गया। कह रहा था जैसे 2.5 घंटे वो मुसलमान रहा, और फिर शाम को असर के बाद उसके जनाजे का ऐलान हुआ था। जिस कम्युनिटी से वो पहले था उस कम्युनिटी वाले तो तैयारी कर रहे थे अपने हिसाब से उसको करने की, और चूंकि वो जुमे की नमाज पर वर्दों का असर के बाद सवाल पैदा हुआ उसको मुसलमानों के मुताबिक दफन करना, ये मुझे कश्मीर का लड़का सुना रहा है, और यहीं का है वो, इस वक्त भी वहीं हॉलैंड में है, एम्स्टर्डम में है। तो मेरे भाई दुनिया में इस्लाम कबूल करने वालों की एक लंबी कतार रोजाना होती है और तेजी के साथ इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, और ईमान वालों को सोचना चाहिए कि हमसे कोई ऐसी गलती न हो जिसके नतीजे में हमसे ईमान छिन जाए। बस मैं आयतों का तर्जमा करता हूं जिन आयतों की रोशनी में मैंने ये सारी बातें अर्ज की। पहली आयत अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ इंसानों तुम अगर ये समझते हो कि हमारा अल्लाह पर एहसान है कि हमने इस्लाम कबूल किया, तुम्हारा कोई एहसान नहीं है, अल्लाह ने तुम पर इनाम अदा किया कि तुमको ईमान की दौलत अदा की। यमुन्नो नालिकन असलमो, अगर कोई एहसान जतलाता हो अल्लाह पर कि हमने इस्लाम कबूल किया, कौन या रसूल आप कह दीजिए, ला तमन्नु अलैया, मुझ पर किसी का कोई एहसान नहीं, बल्लाह यमन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान, अल्लाह का तुम पर एहसान है तुमको ईमान की दौलत नसीब हुई। दूसरी आयत में अल्लाह ताला शानहु फरमाते, वमिनन नास मन यकूलु आमन्ना बिल्लाहि वबिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन, बेशुमार लोग समझते हैं कि हम मोमिन हैं लेकिन हमारा अल्लाह पर ईमान है, आखिरत पर ईमान है, अच्छी तरह से सुनो उनके पास ईमान नहीं है।
اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ شان و فرماتے ہیں اگر کسی نے ایمان قبول کرنے کے بعد کفر کر لیا، من کفر بعد ایمانہ، اگر ایمان قبول کرنے کے بعد کفر کیا، فعلیہم غضب من اللہ، تم پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ اس لیے ہر ایمان والا اس سلسلے میں حساس رہے کہ ایمان کی نعمت ملنے کے بعد میں وہ کام نہیں کروں گا، وہ بول زبان سے نہیں نکالوں گا، وہ حرکات نہیں کروں گا، چاہے وہ میری نظر میں بہت معمولی ہوں، مگر اسلام فیصلہ کر رہا ہے کسی، یہ جناب والا میڈیکل کے فیصلہ کرے گا ڈاکٹر، ہم خود فیصلہ نہیں کریں گے کسی کون سی چیز ہماری صحت کے لیے مفید ہے اور کس چیز میں کیا سائیڈ افیکٹ ہیں اور کون سے بیمار کے لیے کون سی دوائی، اس کا فیصلہ ڈاکٹر کرتا ہے۔ سیم اسی طرح سے ہم خود فیصلہ نہیں کریں گے فلاں چیز کرنے سے ایمان کو کیا ہوگا اور فلاں چیز بولنے سے اسلام کو کچھ نہیں ہوگا اور فلاں فنکشن اٹینڈ کرنے سے وہاں یہ بھی اگر کریں گے اس سے اسلام کو کچھ نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ خود اسلام سے پوچھنا ہے، خود اپنے فیصلے نہیں کرنے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں امیر المومنین بھی ایمان اسلام کے سامنے سر جھکائے گا، عالم بھی سر جھکائے گا، مفتی بھی سر جھکائے گا، ہر صاحب بڑا یا چھوٹا اسلام کے سامنے سر جھکائے گا، اسلام سے پوچھے گا جناب میں یہ کر سکتا ہوں یا نہیں، اور یہ اگر کروں گا تو میرے ایمان کا کیا ہوگا، اور یہ اگر بولوں گا تو میرے ایمان کا کیا ہوگا۔ اب ایمان کی فکر کریں، دور وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور حدیث میں نے پڑھی تھی وہی حدیث سنا رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا صبح کو آدمی مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، ایک انسان صبح نکلے گا ایمان کی حالت میں، شام کو جب واپس آئے گا تو کفر لے چکا، اور اس کے بعد پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو پتا ہوگا کہ ہم نے کفر کر لیا، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو پتا نہیں ہوگا۔ بس میں کنکلوڈ کر کے عرض کرتا ہوں، اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، الحمدللہ رب العالمین، اس ایمان کے پانے میں ہماری کوئی محنت نہیں لگی، اللہ نے ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا، گھر کے اندر ایمان کی دولت مل گئی، بمقابلے ہمارے ان بھائیوں کو جن کو بڑی قربانیاں دینی پڑی، بہت ظلم سہنا پڑا، بہت کچھ برداشت کرنا پڑا، بہت کچھ چھوڑنا پڑا، اور بہت کچھ پانے کے لیے بہت دور آنا پڑا، گھر چھوٹا، اولاد چھوٹی، خاندان چھوٹے، اور نہ جانے کیا کیا ہوا، ان کی قربانیوں کے بعد ان کو ایمان ملا، ہمیں کوئی قربانی نہیں لگی۔ اپنی اس ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے کیا کیا کرنا ہوگا تاکہ ہمیں مضبوط ایمان آئے، اور مضبوط ایمان کے بعد پھر مومنانہ زندگی ہم گزارے، ورنہ پھر آدمی ایمان والا ہوتا اور زندگی ایسی ان کی ہوتی ہے جیسے غیر ایمان والوں کی ہوتی ہے۔ اور یہ نعمت ایمان اگر مل گئی ہے، اور یقیناً مل گئی ہے، تو ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں، اور اگر نہیں سمجھیں گے تو نادان ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تو ہم کو 7 مرتبہ مبارکباد کر رہے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا نہیں پھر بھی ایمان لایا، اس کو میری طرف سے 7 مرتبہ مبارک ہو، جیسا کہ میں نے حدیث ابھی سنائی اور حوالہ میں نے بتا دیا، مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، مشکات شریف میں بھی حدیث ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ایمان ملنے کے بعد ایسی تمام چیزیں جن چیزوں سے ایمان ختم ہو سکتا ہے، ان تمام چیزوں کو سیکھنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے، ذہن میں رکھنا ضروری ہے، اور خدا نہ خواستہ جب وہ کرنے کا مرحلہ آئے تو اس وقت معذرت کرنی ہے کہ صاحب یہ چیز ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اسے ہمارا ایمان کو نقصان ہوگا۔ میں اس کی مثال سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ دو آدمیوں کی بڑی زبردست دوستی ہے، اور دونوں کالج بچپن سے لے کر کے آج تک دوستی کے ساتھ رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک ہی پلیٹ میں کھاتے ہیں، ایک ہی بیڈ میں کبھی کبھی سوتے ہیں، ایک دوسرے کے کپڑے بھی پہنتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے جناب۔ اس کے بعد دو میں سے ایک کی شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد وہ دوست کہتا ہے ہم دونوں دوست رہے ہیں، ایک ہی پلیٹ میں ہم کھانے کھاتے رہے ہیں، ایک ہی کبھی میں تمہارا کپڑے پہنتا تھا تمہارے میرے کپڑے پہنتے تھے، ہم دونوں ایک ہی بیڈ میں رہا کرتے، ایک بیڈ میں سویا بھی کرتے تھے، ایک ساتھ ہم رہے ہیں، اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، میں آج کے بعد ہی تمہارے بیڈ روم میں رات گزارنے کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ تو دوست کا جواب کیا ہوگا؟ جناب وہ دور ختم ہو گیا، تمہاری دوستی میری یہیں تک ہے، جہاں سے آگے لمٹ نہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ سائن اسی طرح سے ہم یہ بھی کریں گے، لیکن جہاں سے آگے ہمارے ہاتھ ختم ہو جاتی ہے، جہاں سے آگے جائیں گے تو ہمارے ایمان کی نعمت چھن جائے گی۔ اللہ ہم کو اپنی ایمان کی قدر و قیمت کی توفیق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی مشکل صورتحال سے ہماری حفاظت فرمائے جس میں ہم امتحان میں پڑ جائیں کہ اپنی ایمان کا سودا کریں، یہ ایمان پر جمے رہ دیجیے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین یا رحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن بھائیوں نے سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ پڑھ سکتے ہیں۔